जी, क्या कुछ नया ताजा चल रहा है मौसम? अभी तो कुछ नहीं चल रहा, सब ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। इंश्योरेंस के लिए किसी से बातचीत हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? बात चल रही है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात, नाइस। तो कोई बात नहीं, यदि हम थोड़ा सा कोशिश करते रहते हैं तो फिर उसके बाद काम होता रहता है। हमारा काम है कोशिश करते रहना, हमारा काम है अलग अलग तरीके के लोगों को मिलते रहना, बात करते रहना। जी लगातार हम यदि बातचीत करते रहते हैं तो डेफिनेटली जी सेल भी होता रहता है। लेकिन हाँ, डेली बेसिस पर यदि हम रखें तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि डेली बेसिस पर लोगों से कॉन्टेक्ट करने का फायदा ये रहता है कि कम से कम उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी तैयार जरूर हो जाता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी जरूर हो जाता है। बाकी आपके पास ढेर सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। नॉलेज हमारा जो इंश्योरेंस का बिजनेस है उसके अंदर इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है जितना रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी करता है। जो रेगुलर वे में, जो रेगुलर तरीके से, मान लीजिए यदि हम एक का भी एवरेज बना के रखते हैं पर डे, यदि हमने एक भी आदमी से बात करी तो हफ्ते में 7 लोग होते हैं और 7 के हिसाब से महीने के अंदर 30 लोग होते हैं, तो 30 में से कोई ना कोई आदमी ले लेता है। इवन 7 में से कोई ना कोई ले लेता है। इवन हफ्ते में यदि हम 6 को भी मिलें तो महीने के अंदर 25 लोगों से हमारी बातचीत हो जाती है। किसी किसी को कॉन्टेक्ट करते रहें, बातचीत करते रहें तो अच्छी बात है। तो उसके बगैर सेल नहीं होता है। सुबह सुबह इकट्ठे होने का हमारा मकसद ये रहता है कि थोड़ा सा आपस में थोड़ा सा प्रोग्रेस हम लोग एक दूसरे का ट्रैक करें, सभी लोग मिलजुल कर आगे बढ़ें। एक इंसान अकेला आगे बढ़ता है वो बहुत ही भारी काम है, चाहे किसी भी फील्ड के अंदर कोई भी इंसान हो आगे बढ़ने की कोशिश। लेकिन जब 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग होते हैं तो कारवां बोलते हैं, सारे लोग इकट्ठे आगे बढ़ते हैं तो फिर मिलजुल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए तो सारों का ग्रोथ हो जाता है। तो यही मकसद है कि सुबह हम लोग सारे इकट्ठे मिलें जुलें, और यदि कहीं भी कोई भी परेशानी आ रही है या तो कहीं स्पीड किसी की कम हो रही है तो हम उसको थोड़ा सा ट्रैक करें, थोड़ा सा एक दूसरे सपोर्ट करें कि सभी लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। और आपको क्या किसी एक मेरा से क्वेश्चन था, ये कॉन्टेक्ट हो? ऑनलाइन करना है तो उसको सब कैसे करेंगे? समझा नहीं, ऑनलाइन क्या? अनिंदा अनिंदा स्कीम आई हुई है ना ऑनलाइन करने आनंद का। आई हुई है? हाँ, हाँ बिल्कुल ले आनंद, सकते हैं। उसको कैसे करना है? आनंदा का आसान तरीका है, आनंदा का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपका जो आधार है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, आपका अच्छा जो ठीक मोबाइल नंबर के साथ में, आप जिस कस्टमर का है करना चाह रहे हैं उनका रजिस्टर होना चाहिए, उनका जो मोबाइल है और आधार है दोनों आपस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद आप ठीक इसको है कर अच्छा सकते हैं। आपको अपना गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए, गूगल प्ले हाँ स्टोर के जी अंदर से आप डाउनलोड कर लीजिए LIC एजेंट ऐप। ठीक है LIC एजेंट ऐप जब आप गूगल प्ले स्टोर में से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप उसको एक्टिवेट करा लीजिए। आपको अच्छा एक्टिवेट कराना है ब्रांच मैनेजर से, उसका एक्टिवेशन ब्रांच मैनेजर के थ्रू होगा। तो आप ब्रांच जी मैनेजर को रिक्वेस्ट भेजिए कि मेरा ये एक्टिवेट कर दीजिए, LIC एजेंट ऐप मैंने डाउनलोड कर लिया है तो आप इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक आप है उनको भी मेल कर दीजिए blue_126@LIC.com कि जी मुझे आनंदा ऐप इस्तेमाल करना है, तो ये मैंने LIC एजेंट ऐप डाउनलोड कर लिया है, आप इसको एक्टिवेट कर दो। तो एक्टिवेशन के लिए वो आपको ईमेल का लिंक भेजेंगे, उस लिंक को आप हाँ क्लिक करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा आपका एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपका अच्छा वो वाला एक्टिवेशन हो जाएगा उसके बाद हाँ आपको क्या करना है कि अपना LIC India.in जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। वहां पर जाने के बाद वहां पर आपके पास आनंदा का एक लिंक दे रखा है, अच्छा आनंदा का वो जो लिंक वहां पर दे रखा है उसको आप उधर से ओपन, उसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे पूरा गाइड करेगा कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है। तो ठीक वहां है से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, जब आपका एक्टिवेट हो जाएगा वहां से तो उसके बाद आप उसको आनंदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करके उसके बाद आप वहां से ना तो आपको फोटो लेने की जरूरत है, फोटो भी वो आधार से उठा लेगा, ना तो आपको डेट ऑफ बर्थ हाँ का प्रूफ की जरूरत है वो भी आधार से उठा लेगा, ना ही आपको ठीक इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ या तो ID प्रूफ लेने की जरूरत है, आधार में से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। जो मोबाइल नंबर डाला है OTP कस्टमर से आपको मांगना पड़ेगा, बार बार OTP के लिए बोलना पड़ेगा आपको कस्टमर को कि जी OTP आप हाँ दे दीजिए, है ना। बार बार वो मेरे अच्छा ख्याल से 8-10 बार OTP मांगता है अलग अलग चीजों के लिए, कभी वो प्रपोजल फॉर्म चेकिंग के लिए, कभी वो आधार के लिए, कभी दुनिया भर की चीजों के लिए OTP मांगता रहता है। तो कस्टमर से अच्छा OTP आपको बार बार लेना होगा, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा।
कस्टमर को बोल के रखिएगा सर वो बार बार ओटीपी मांगेगा अलग अलग कामों के लिए, जैसे बेनिफिट रजिस्ट्रेशन यहाँ से उसको ईमेल में गया, फिर ओटीपी मांगेगा, हाँ जी आपने चेक किया कि नहीं किया, आप उसके लिए अग्रीड है कि नहीं है। आप ये देखिए कि प्रपोजल फॉर्म के अंदर जितने भी जगह पर सिग्नेचर होते हैं उतनी बार वो ओटीपी मांगने वाला है, वो एक एक डिक्लेरेशन के लिए बार बार ओटीपी मांगने वाला है। अच्छा, इस तरीके से यह आनंदा चलेगा। पैन नंबर आपको जरूर लेना है, यदि मान लीजिए उस वाला जो प्रपोजल है करंट फाइनेंशियल ईयर में पुराना और नया बीमा मिला के 50,000 से ऊपर का प्रीमियम यदि हो गया, और यदि 50,000 से ऊपर हो गया तो उसके लिए पैन नंबर चाहिए होगा, और पैन नंबर चाहिए होगा तो पैन तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पैन तो इस तरीके से ऑनलाइन एक्सट्रैक्शन का गवर्नमेंट ने अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं दिया है ना, तो पैन नंबर जो है वो फिर आपको लेना पड़ेगा। इस वजह से लेना पड़ेगा क्योंकि प्रीमियम जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ऊपर हो गया। यदि 50,000 के नीचे है तो फिर तो कोई पैन नंबर की भी जरूरत नहीं है, फिर तो आधार से आपका डायरेक्ट भी हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो करिए आप इसको शुरू करिए, आप तुरंत करिए इसको, बल्कि सभी साथियों को शुरू करना चाहिए। आनंदा तो इतनी शानदार फैसिलिटी है कि घर बैठे आप पॉलिसी नंबर लगा सकते हैं, इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे हैं, आप अपना कस्टमर के सामने बैठे हैं, आप कहीं पर भी बैठे हैं, आपका जो पर्सनल ऑफिस है आप वहां पर बैठे हैं, आधा मंदिर बैठे हैं, अपना लैपटॉप खोला या तो आपने अपना डेस्कटॉप खोला, तुरंत आपने पॉलिसी नंबर लगा दिया वहीं बैठे बैठे। आपको उसके बाद ना तो कोई प्रपोजल फॉर्म किसी को देने की जरूरत है, ना तो कोई डॉक्यूमेंट किसी को देने की जरूरत है, ना तो कोई फोटो लेना है, कोई प्रिंटेड, कुछ नहीं लेना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। हो गया है, बहुत ज्यादा इजी हो गया है। और आनंदा यदि करने में किसी तरह का दिक्कत आता है तो आनंदा के बाद दूसरा स्टेप आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रांसफर। आप कस्टमर को पूछ सकते हैं कि सर ये पैसा जो है आप तुरंत LIC का जो 126 का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। आपने पैसा ट्रांसफर करा दिया, आपका जो प्रूफ है प्रूफ ऑफ ट्रांसफर आप दे दीजिए, तो जैसे ही आपने उसका स्क्रीनशॉट भेजा तो उसके थ्रू यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट वालों से उसका BOC बनवा लेंगे, या फिर उसका BOC बन जाएगा तो फिर उसके बाद प्रपोजल फॉर्म वगैरह वो सब आप दे दीजिए, तो उसको टाइपिंग करके अंडर राइटिंग करके और उसका उसका पॉलिसी नंबर लग जाएगा। और पॉलिसी नंबर लगने के बाद जो है, हाँ जी बताइए। ठीक है ठीक है जी, तो जैसे ही पॉलिसी नंबर लगेगा, पॉलिसी नंबर लगने के बाद ईमेल में उसका पॉलिसी बॉन्ड चला ही जाता है, आनंदा वाला भी चला जाता है। आनंदा वाला क्योंकि ऑनलाइन होता है तो उसका जो फर्स्ट प्रीमियम रसीद होता है वो भी ऑनलाइन कस्टमर को चला जाता है, और पॉलिसी बॉन्ड भी जो है ईमेल में चला जाता है। ठीक है जी, और कुछ चौहान साहब? नहीं जी, मैं यही पूछना। ठीक है, बढ़िया। चौहान साहब, मीटिंग्स हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है? किसी भी कस्टमर से, किसी भी प्रोस्पेक्ट से कॉन्टेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, पहले तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब फ्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब मीटिंग ही करना है। एक्चुअली हम किसी भी बहाने से मुलाकात यदि करें ना, किसी भी बहाने से, मतलब एक्चुअली हमारा जो काम है ना, आप ये सोचो कि नॉलेज के बजाय हमारे यहाँ ना रेगुलरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब रेगुलरिटी हमने किया तो हमारा काम बन जाता है, रेगुलरिटी नहीं किया तो हमारा काम नहीं बनता है। मतलब हमारा पॉलिसी, देखो एजेंसी का रूल नंबर वन क्या है, डेली कम से कम एक मीटिंग करना जरूरी है, डेली कम से कम एक नए व्यक्ति के साथ। ऐसा ना डेली सेम आदमी के पास हम पहुंच गए, भाई मैंने तो मीटिंग किया था, ऐसा नहीं है। कम से कम रोजाना एक नए आदमी को यदि आप नहीं मिल रहे हैं ना, आपका एजेंसी बिल्कुल चल ही नहीं सकता, बिल्कुल किसी हालत में नहीं चल सकता। वन मीटिंग पर डे इज कंपल्सरी, मीटिंग इज कंपल्सरी। अच्छा, वन मीटिंग के लिए हो सकता है आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, आप 15 मिनट में मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, हो सकता है किसी को आधा घंटा लगे, एक घंटा लगे, दो घंटे लगे। अभी मैंने ऐसे ऐसे साथी देखे हैं, वो 3 घंटे तक पता नहीं क्या समझाते रहते हैं, मगर उन्होंने बताया है, सर मैंने 3 घंटे समझाया। चलो खैर, जो समझाया होगा समझाया होगा, बट कम से कम एक मीटिंग रोजाना जरूर करें, वन मीटिंग पर डे इज कंपल्सरी। मतलब नहीं करेंगे ना तो समझो एजेंसी आपका गया नहीं, कोई नहीं बचा सकता फिर आपका एजेंसी। एनीवे, और कुछ आप बताना चाहें? रविराज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। रविराज जी, क्या प्रोग्रेस? रविराज जी, क्या नया ताजा चल रहा है? बस चल रहा है सर, कुछ खास नहीं है सर। ओके, ठीक है, कुछ खास हमें करना चाहिए अपने जीवन में। हर रोज हम कुछ ऐसा करते हैं कि रोजाना हम कुछ ना कुछ खास बने। आम तो हम ऑलरेडी हैं, आम जनता तो हम ऑलरेडी हैं, तो आम जनता के मुकाबले कुछ ना कुछ खास बनने के लिए खास की शुरुआत हमी को करनी पड़ेगी, खास काम हमी को करना पड़ेगा। हम ही कुछ खास करेंगे तभी कुछ खास हमारे जीवन में हो सकता है। तो आज आपने हेल्थ के लिए क्या क्या किया?
अपनी स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जान है तो जहान है ऐसा बोला जाता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम ऐसा बोला जाता है, मतलब तो हेल्थ के लिए आपने क्या क्या किया? आपने सवेरे 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 गर्म पानी पिया सर। ओके गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या क्या किया सभी साथी बताएं, हेल्थ के लिए आपने क्या क्या किया? भाई सेहत ठीक रहेगी तभी तो कुछ और करेंगे, पॉलिसी कहां से बेचेंगे जब सेहत ही ठीक नहीं होगी जी। और कोई साथी बताना चाहें, हेल्थ के लिए आपने क्या क्या किया? नहीं बताना चाहेंगे मतलब अपना हेल्थ को अपना खुद का सीक्रेट बना के रखना चाहेंगे, चलो कोई बात नहीं, बताना चाहेंगे नहीं बताना चाहेंगे, ओके कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हेल्थ के बारे में। मैं सुबह 5 बजे उठा, 5 बजे उठ के मैंने खैर गर्म पानी तो मैं पी लेता हूँ, मैंने तकरीबन 1.5 लीटर गर्म पानी भी पी लिया, तो रविराज जी ने बोला है तो मैंने बताया, मैं भी बता देता हूँ। मॉर्निंग वॉक मैंने कर लिया, अनुलोम विलोम मैंने कर लिया, कपाल भाती कर लिया, स्ट्रेचिंग कर लिया, पुलअप्स कर लिया, पार्क के अंदर मैं वॉक करके आ गया, फिर सारा एक्सरसाइज कर डाला, नाश्ता मैंने कर लिया, नहा धो के मैं आपके सामने। सो खैर एनीवे सुझाव मेरा ये है कि आप जीवन में चाहे जो मर्जी करें, आप जीवन में चाहे पॉलिसी बेचें, चाहे आप अकाउंट्स का काम करें, चाहे टैक्सेशन का काम करें, चाहे आप इंजीनियरिंग का काम करें, चाहे आप दुनिया में जो मर्जी काम करें, सबसे पहले हेल्थ। यदि हमने सुबह सुबह हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो बाकी के 23 घंटे की क्वालिटी घट जाती है। तो यदि हमने सुबह सुबह 1 घंटा हेल्थ को दे दिया तो बाकी के 23 घंटे बहुत ही शानदार निकलते हैं, बहुत ही बढ़िया निकलते हैं, बहुत ही खूबसूरत निकलते हैं। ये मेरा सुझाव है। बाकी टोटली डेफिनेटली आप हेल्थ का बढ़िया ध्यान रख रहे होंगे ऐसा मुझे पूरा का पूरा यकीन है, लेकिन फिर भी और ज्यादा ध्यान रखें तो और अच्छी बात है। सेहत एक ऐसी चीज होती है, एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती है। आपके पास यदि दुनिया भर की सारी दौलत है लेकिन आपके पास सेहत नहीं है तो आपके पास दुनिया की सारी दौलत बेकार है। सबसे ज्यादा अमीर अस्पताल का आदमी होके वहां पर, सबसे ज्यादा अस्पताल का अमीर पेशेंट होके, अमीर मरीज होके वहां पे भर्ती होने का कोई फायदा नहीं है। इवन एक मजदूर की हेल्थ बहुत ही शानदार हो सकती है, बहुत ही बढ़िया हो सकती है, भले ही उसके पास पैसा ना हो। इवन एक करोड़पति अरबपति खरबपति आदमी की जो हेल्थ खराब हो सकती है, भले ही उसके पास अचीवमेंट हो, सक्सेस हो, कंपनियां हो, कारें हो, बड़े बड़े मकान महल कोठियां हो। तो सुझाव है कि आप सेहत का ध्यान जरूर रखें, सुबह सुबह जरूर बढ़िया ध्यान रखें सेहत का। विजेता ट्रॉफी का आज आखिरी दिन है, सिर्फ 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो जीवन आरोग्य या तो फिर कैंसर कवर। तो ये 2 पॉलिसियां यदि आप करते हैं, कैंसर कवर एक ऐसा प्लान है, इवन 10 रुपए पर डे का भी यदि आपने किया, इवन 8 रुपए पर डे, 8 रुपए के अंदर चाय पीने, इवन 8 रुपए पर डे का भी यदि आपने किया तो आपका कैंसर कवर प्लान हो जाता है, और 8 रुपए पर डे के अंदर करीबन 28 लाख रुपए का गारंटी हो जाता है। 28 लाख रुपए का ये वाला गारंटीड प्लान। आज के समय में देखिए कैंसर से रोजाना हजारों लाखों लोग कैंसर से मर रहे हैं, कैंसर से उनकी हालत खराब हो रही है, बहुत बुरी हालत हो रही है, और पैसों का इंतजाम नहीं कर पाने की वजह से लोगों की और ज्यादा बुरी हालत हो रही है। घर वाले उनको छोड़ देते हैं लास्ट मोमेंट पे। अच्छा घर वाले भी क्या करें बेचारों, उनके पास तो पैसा नहीं है। अब इस आदमी ने खुद पैसा नहीं बचाया, अब घर वाले थोड़ी ना बचाएंगे उसके बिहाव पर। सो हमारे एलएलसी एजेंट होने का फायदा क्या है यदि हमने हर किसी को कैंसर प्लान के बारे में नहीं बताया? कम से कम हम बता तो सकते हैं, बताना तो हमारे हाथ में है, वो ले या ना ले वो तो उसकी मर्जी है। अब ले लिया तो बढ़िया, हमारा पॉलिसी बिक गया, नहीं लिया तो कम से कम हमको अफसोस नहीं होना चाहिए कि हमने बताया नहीं। कम से कम हमारे को कोई मन में गालियां देने वाला नहीं होना चाहिए कि यार देखो ये एलआईसी का इतना बढ़िया प्लान था, मेरे को कैंसर हो गया, कैंसर होने के बाद मुझे पता लग रहा है, पहले से मेरे को पता होता तो मैं ले लेता। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, पहले से हम बता के रखें, पहले से उनको देख के रखें, कम से कम हम बता के तो रखें। एक अच्छा दोस्त होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि बताना, दोस्त को सही राह दिखाना, अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको हम सही राह दिखाएं, जान पहचान के नहीं भी लोग हैं तो भी हम अनजान लोगों को भी सही राह दिखाएं, उनको अच्छा बताएं कि भाई ये वाला प्लान आपके पास अवेलेबल है, आप इस प्लान को ले लीजिए। सो ये हमारी ड्यूटी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप सभी को अच्छा लगेगा, आप सभी को बहुत बढ़िया लगेगा कि आपने लोगों का मदद किया। एक्चुअली हमारा काम लोगों का मदद करने का है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हम मदद भी कर पाएंगे और अच्छा लगेगा। तो पॉलिसी हॉस्पिटल प्रोटेक्शन के लिए पैसा मिलता है, कैंसर कवर पॉलिसी सिर्फ 8 रुपए पर डे यदि आप करते हैं 28 लाख रुपए का गारंटी मिलता है। कैंसर इस समय दुनिया की नंबर 1 बीमारी है, इंडिया के अंदर भी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज है,
सिर्फ 8 रुपए पर डे के अंदर हो सकता है आज आखिरी दिन है। कम से कम 2 पॉलिसी, भले ही आप अपनी खुद की करें, आपकी भी होनी जरूरी है, या तो आप किसी की भी करें, 2 पॉलिसी, या तो जीवन आरोग्य या तो कैंसर कवर, उसको जरूर करें। मार्केटिंग मैनेजर का विजिट हो रहा है आपकी ब्रांच में शनिवार को, 2 दिन बचे हुए हैं, और एक स्टील का टिफिन आपको मिल रहा है, पॉलिसी जो भी पॉलिसी आप करते हैं, 1 पॉलिसी पर स्टील का टिफिन है, 3 पॉलिसी पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत सर्टिफिकेट मिल रहा है मार्केटिंग मैनेजर की तरफ से। कल उसका स्टील टिफिन का सैंपल आया हुआ था, राजेंद्र जी को बधाई, उन्होंने कल 2 पॉलिसी का ग्रीन चैनल के अंदर जमा किया 6,000 प्रीमियम का, तो उनका टिफिन तो वो पक्का हो गया, बाकी सर्टिफिकेट भी उनका मिल ही जाएगा उनको। और भी साथी हैं, विकास गोयल जी हैं, वो टिफिन क्वालिफाई कर चुके हैं 1 पॉलिसी करके, जेपी शुक्ला जी कर चुके हैं, तो आप सभी लोग एक्चुअली क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है, कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि कोशिश करेंगे क्वालिफाई तो हो ही जाएगा, वो तो खैर मुझे पूरा का पूरा यकीन है। तो ये वाली स्कीम जो अवेलेबल है, ये वाली स्कीम सिर्फ 6 तारीख तक अवेलेबल है, यानी कि परसों तक, तो आप इसके अंदर जरूर क्वालिफाई करें। हीटिंग पैड, थर्मल हीटिंग पैड जो जेल वाला आता है, जो रिचार्जेबल होता है, वो वाला आपके लिए अवेलेबल है ओनली 3 पॉलिसीज पर, आप इसको जरूर क्वालिफाई करें। मुझे पूरा यकीन है आपके पास हीटिंग पैड जरूर होगा, लेकिन फिर भी आप इसको लेकर जाएं। हमारी टीम में राजेंद्र जी की 2 पॉलिसी हो चुकी है, तीसरी पर उनका होने ही वाला है, विकास गोयल जी की 1 हो चुकी है, उनकी भी 2 हो जाएंगी, तो उनका भी क्वालिफाई हो जाएगा। 9 तारीख तक ये स्कीम अवेलेबल है, आप इसको भी क्वालिफाई करें। ट्रॉफी जिन जिन साथियों की क्वालिफाई हुई थी, गणतंत्र दिवस ट्रॉफी मिले से ले लीजिए, मेरे पास अभी भी डिक्की में 3 ट्रॉफियां रखी हुई हैं, आप तुरंत ले लीजिए, और बाकी 5 आने वाली हैं, वो सब आ जाएंगी। कल हमने टर्म इंश्योरेंस और कन्वेंशनल के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन किया था, आप में से किसको किसको अच्छा लगा, किसको किसको क्या क्या लगा, थोड़ा सा बता सकते हैं मुझे उसके बारे में, या तो आप कल की मीटिंग में थे या नहीं थे। आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए ना, माइक ऑन करना पड़ेगा, माइक अपना ऑन करेंगे तो आप बोल पाएंगे। बताना चाहेंगे, कल हमने टर्म इंश्योरेंस और कन्वेंशनल इंश्योरेंस के बारे में बात किया था, और उसके बारे में आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या क्या खराब लगा, क्या क्या लगा अच्छा खराब, तो बात की बात है। सबसे पहले तो आपको उसमें क्या समझ आया, क्या नहीं समझ आया, हमारा डिस्कशन का कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में लोगों से बात। हाँ बिल्कुल हुआ सर, आपको फायदा हुआ। आपकी लोगों से बातचीत होती है इसके बारे में या नहीं होती है, क्या आपको लोग इस तरह की बातें करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, हमारे से टर्म इंश्योरेंस उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, जैसे हम लोग हम अपनी बात कर रहे हैं सर, हमारे को भी आपके टर्म इंश्योरेंस और कन्वेंशनल पॉलिसीज के में इतना ज्यादा डिफरेंस जो है ना पता नहीं था, तो जो हमारे कस्टमर है उनको कैसे पता होगा, उनको तो और भी नहीं पता है, हमको तो दो चार चीजें मालूम थी, कई चीजें क्या करके जी, ठीक है। तो जैसे हमने अपने अपने जो क्लाइंट है जिनके साथ हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो दूसरे वाले आपके बिजनेस है उनके साथ हमारी मुलाकात ही हुई, तो उनको साथ हमने बात कर दिया, तो उस वक्त तक हमारे को नहीं मालूम था इनको टर्म इंश्योरेंस करना है कि कंसल्टेंसी इंश्योरेंस करना है, क्योंकि कई बार हम आए थे तो आपके पास आकर के हमने टर्म इंश्योरेंस की बात करी थी और किसी किसी को दिया है तो बोला टर्म इंश्योरेंस की बात करी थी जी। अब क्या है कि अब जो खुद का मकान वाली बात है और उनको खुद का मकान में रहना है तो कन्वेंशनल पॉलिसीज है उसके बाद में ही जाते हैं उसको देना है, तो उसमें मैच्योरिटी बोनस फी FAB ये सब ज्यादा है और जब ज्यादा चीजें ज्यादा अच्छी है, तो अब जो है सो हम जहाँ पे जा रहे हैं जिससे आपने बात निकल रही है कहीं जाकर के, तो उनसे यही बात करते हैं हम। ठीक है, बढ़िया। और आपको उस वाले डिस्कशन के अंदर क्या समझ आया? वैसे तो वो डिस्कशन काफी काफी कुछ था, लेकिन अब 40 मिनट के बाद आपको पता है जूम वाले कनेक्शन काट देते हैं, हमारा फ्री वाला अकाउंट है, तो 40 मिनट के बाद जूम वाले बगैर कुछ वो कोई लिहाजदारी नहीं करते हैं, तुरंत कनेक्शन काट डालते हैं। और आपको उसके बारे में क्या समझ आया? मतलब आपने उसका आपने एक यूं उदाहरण दिया था कि आपको अगर चॉइस दिया जाए कि आप किराए के मकान में रहना चाहते हैं या आपका खुद का मकान हो जाइए, आपने ये बोला था जी, तो आप किस में जाएंगे, ओनर से जाएंगे जी, तो हम तो अपने मकान में जाएंगे भाई, इतना पैसा दे रहे हैं हर जाकर, तो आफ्टर गिविंग द मनी दिस मकान विल बिकम माइन, तो ये चीज होता है। और किराया का मकान में दूं तो जितना भी किराया देते जाओ उसके से आप कुछ कर तो सकते हो नहीं, वो आपका तो हो नहीं सकता है, वो चीज है। तो आपके आपके और ये एग्जांपल से भली भांति समझ गया था मैं जी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो टर्म इंश्योरेंस के ही पीछे पड़ा है हम उसको टोटली मना कर दें कि नहीं हम आपको टर्म इंश्योरेंस करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं करना है कि टर्म इंश्योरेंस करना नहीं है, लेकिन टर्म इंश्योरेंस जो भी आदमी मांग रहा है उसको हमें ना कंपैरिजन जरूर बताना है कि भाई साहब टर्म के मुकाबले कन्वेंशनल में ज्यादा फायदा है। हमने जैसे कल बातचीत करी कि भाई एक जो खुद का मकान होता है खुद की छत होती है, तो इसका मतलब कन्वेंशनल होता है तो आपकी पॉलिसी होती है, टर्म इंश्योरेंस तो आपकी नहीं है वो तो परिवार की है, उसके अंदर आपका कुछ नहीं है। खुद के मकान के अंदर सामाजिक वैल्यू होती है, इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस के अंदर तो सिर्फ फिगर होता है, फैमिली की गारंटी होती है, जो वैल्यू जो होती है यानी कि आपको जो पैसा मिलने वाला है मैच्योरिटी एनुअल बोनस फाइनल बोनस वो आपको सिर्फ कन्वेंशनल में मिलने वाला है, टर्म में नहीं मिलता है। किराए की चिंता नहीं होती है, जो खुद का मकान होता है उसमें किराए की चिंता नहीं होती है। जैसे कि आप यदि कन्वेंशनल बीमा लेते हैं तो आपको ये नहीं सोचना पड़ता यार मैं पैसा भर रहा हूँ ये डूब जाएगा इसके बदले में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को ये फिक्र होती है। एक्चुअली ये सब ऑब्जेक्शंस ये सब डिस्कशंस ये तब होंगे आपके सामने जब आप ज्यादा लोगों को मिलेंगे। यदि हमारी मीटिंग ही नहीं हो रही है हमारी, मैं देखो बार बार ये सारी की सारी बातें घूम फिर कर एक ही जगह आ जाती है, रोज का कम से कम एक आदमी के साथ डिस्कशन चाहिए। यदि हम इस टॉपिक पर बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से तो हमारा इवन यहाँ पर मीटिंग में भी आके हमने यहाँ पे आधा घंटा डिस्कशन किया उसका भी फायदा क्या है। हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, हमें बड्डी सिस्टम बनाना पड़ेगा, बड्डी सिस्टम पार्टनर सिस्टम मिलजुल के चलना पड़ेगा। मतलब दो लोग यदि आपको लगता है भाई अकेले जाने में हेजिटेशन है दिक्कत है आलस है परेशानी है कुछ प्रॉब्लम है, हमें मिलजुल के जाना पड़ेगा। दो लोग इकट्ठे हो गए, अब देखो हम यहाँ पर इस समय मान लीजिए अभी हम 6 लोग हैं 7 लोग हैं ठीक है ना, अब सारे के सारे इकट्ठे हो गए, अब इकट्ठे होके दो दो के पार्टनर के हम ऐसा कुछ ग्रुप बनाए भाई दो लोग इकट्ठे जाए, दो लोग क्या होता है एक दूसरे को सपोर्ट करता है, दो मिलजुल के जाते हैं, हम एरिया चूज कर सकते हैं, एक दिन इसके घर एक दिन उसके घर, घर के आसपास के जितने भी पड़ोसी हैं भाई सपोर्ट हो सकता है ना, एक दूसरे को सपोर्ट हो सकता है, दोनों का पॉलिसी देख सकता है। जी आपको सर गुड मॉर्निंग बताइए। गुड मॉर्निंग नरेंद्र जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छा लगा आपने मीटिंग किया, दैट इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमारे पास यही वाला है कि मीटिंग कर लें, सेल तो हो जाता है। और सर 50 लाख का सर टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे थे तो मैंने 50 लाख का उनको टर्म इंश्योरेंस समझाया जी। फिर कहते हैं भाई थोड़ा प्रीमियम तो वैसे कम ही है, 1 करोड़ का बताओ 1 करोड़ का कितना आता है। मैंने लो जी 1 करोड़ का कुछ नहीं सर, बहुत कम प्रीमियम है जी। तो उनकी ये 33 थी अराउंड 32,000 समथिंग प्रीमियम आ रहा था उनका। कहते ठीक है मेरे को ये वाला करना है, लेकिन नरेंद्र भाई एक काम करो आप कल घर पे आ जाओ। एक्चुअली वो कहीं वैसे मेरे को बाहर ही मिले थे। मैंने हाँ सर ठीक है सर, ये बात सर घर पे बैठ के ही होना चाहिए, तो घर पे बैठ के होता है तो सबको पता होता है, अच्छा लगता है कि तो सर वो हो गया, उनकी मीटिंग सर फिक्स हो गई और उनका आज मिलना है सर आगे घर पे। बढ़िया, आप उनको बढ़िया जी जी ठीक है। और सर दो मीटिंग सर इस तरह से हुई सर, उनका एक का डाउन पेमेंट सर आ गया, एक का सर डाउन पेमेंट आया, ज्यादा नहीं बस 500 रुपीज डाउन पेमेंट आ गए, बट उनको सर आज फिर कन्विंस कर सर पूरा अमाउंट उनका आज ले लेंगे। जी जी ठीक है बढ़िया और अच्छी बात है, वेरी गुड। और बाकी सर एक मीटिंग सर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स सर खास दिया नहीं, मैं कहा ठीक है सर कोई बात नहीं हम सर दोबारा बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है। आपने कल दो लोगों का जो पैसा ट्रांसफर किया था उन दोनों का BOC बढ़ा के उसी समय आपको भेज दिया गया था, आपको व्हाट्सएप पर BOC मिल चुका होगा जो पैसा। जी थैंक यू सर, मिल गया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम नरेंद्र जी। आप कस्टमर को डायरेक्ट ऑनलाइन LIC ब्रांच 126 के अकाउंट में भी ट्रांसफर करने के लिए बोल सकते हैं, तो आप कस्टमर के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर से क्या है कि आपने मुझे भी ट्रांसफर किया, मुझे भी ATM से जाके पैसा निकालना पड़ेगा, आपने LIC के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया तो LIC को कहीं से कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, LIC का तो वहीं से डायरेक्टली BOC बन जाएगा। सो और उसके अंदर बड़े अमाउंट के अंदर आसानी रहती है,
चलो वो तो खैर आपने 3,000 के दो ट्रांसफर किए, वो तो चलो ठीक है मैं एटीएम से निकाल भी लूंगा, लेकिन बड़ा अमाउंट होता है। अब जैसे हमारे थोड़े दिन पहले धर्मेंद्र कुमार जी ने उनका एक कस्टमर है साहिब, उनसे ट्रांसफर कराया था 99,999 जी। हमारे एक और भी क्लाइंट है, अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने सऊदी अरब से 14.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। तो छोटे छोटे अमाउंट तो चलो कोई बात नहीं, हम आपस में मिलजुल के ऐसा कुछ एक दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करके गुजारा चला सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट जब हो जाते हैं तो बड़े अमाउंट के अंदर तो फिर कस्टमर का डायरेक्टली ही वो ट्रांसफर करना जरूरी है। अब हमारे दिनेश सूदत जी ने 227 रुपए ट्रांसफर किए थे थोड़े दिन पहले, ठीक है ना, 227 है तो 227 है, उसमें क्या दिक्कत है, बड़ा है या छोटा है, अमाउंट तो अमाउंट है, लेकिन हाँ डायरेक्टली कर रहे हैं तो बढ़िया रहता है। यहाँ पर इन लोगों की अकाउंटिंग भी इन लोगों की जल्दी हो जाती है। और कोई साथी बताना चाहेंगे कुछ भी, क्या प्रोग्रेस, क्या नया, क्या आता है? सर मैं ना वो नोवल जी का ना अकाउंट में मतलब सर आपके ना ट्रांसफर करूंगा, फिर उसको फिर मैं एटीएम से निकालता हूँ, पैसे एटीएम से निकाल के फिर मैं उसको कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, आज कर दूंगा मैं, अभी कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और क्या इसके अलावा क्या स्पेशल चल रहा है, क्या खास चल रहा है? मीटिंग आपका हो रहा है आज? किसी से मीटिंग हुआ, कल किसी से मीटिंग हुआ, परसों किसी से मीटिंग हुआ, और कोई मीटिंग्स हो रहे हैं आपके कि नहीं हो रहे? नए लोगों से बातचीत बीमे के बारे में हो रही है, पुराने फॉलोअप हो रहे हैं? ये दो काम है ना एजेंसी में, क्या होता है ये दो काम, जैसे इंसान होता है ना जिंदा रहने के लिए एक तो सांस आना जरूरी है, एक तो पानी पीना जरूरी है, मतलब ये दो काम होना है। इसी तरह से एजेंसी को जिंदा रखने के लिए एक तो नए लोगों का मीटिंग होना जरूरी है और एक पुराने लोगों का फॉलोअप होना जरूरी है, मतलब ये दो काम नहीं किए ना तो एजेंसी का जिंदा रहना, जैसे इंसान होता है ना सांस आनी बंद हो गई तो मर जाएगा, पानी पीना बंद हो गया तो मर जाएगा, ऐसे ही एजेंसी में क्या होता है नए लोगों से मीटिंग करना बंद कर दिया डेली रोजाना तो एजेंसी बेचारा भगवान भरोसे। इसी तरीके से पुरानों का फॉलोअप नहीं किया, अरे सुदामा जी आप भाभी जी से बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए, वो भाभी जी आपको बुला रही है, मैं समझ सक रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद कर लेंगे, थोड़ा हम भी उनको नमस्ते कर लेंगे, आप उनको बातचीत करा दीजिए, भाभी जी को हमारी नमस्ते बोल दीजिए आप, कोई बात नहीं, वो मुलाकात नहीं करना चाह रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उनको हमारी नमस्ते बोल दीजिए, भाभी जी को नमस्कार, बोल दिया सर, बोल दिया, नमस्कार नमस्कार भाभी जी को जी। और कोई साथी, मनीष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मनीष जी, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे? हरिराम जी आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मंजू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मंजू जी, गुड मॉर्निंग, और कोई बात आप बोलना चाहेंगे आप इसको जी? गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपके? हमारा अभी फिलहाल जो हम टर्म और हम जो कन्वेंशनल का जो कर रहे उसको कर रहे थे, गुड मॉर्निंग, क्या है आपका मंजू? तो ये वाला टर्म के अंदर ना जब भी आप टर्म किसी को बताते हैं थोड़ा सा आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, आप उसको रिफंड ऑफ प्रीमियम वाला प्लान बता सकते हैं कि भाई आपने टर्म इंश्योरेंस के अंदर जितना भी पैसा भरा, टर्म के अंदर ना कुछ लोगों के बाद कंसर्न होता है कि भाई मैंने पैसा भरा बदले में मेरे को कुछ मिल, मेरे को ना कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, अब उसमें रिटर्न आने के लिए ना मरना जरूरी है। तो हाँ हम किसी को क्यों मारें भाई, हमें क्या जरूरत है किसी को मारने की, हम जिंदा रखें लोगों को भाई, लोगों को जिंदा रखेंगे तभी तो रिन्यूअल प्रीमियम आएगा, जिंदा रखेंगे तभी तो नई पॉलिसी सेल होगी, तो हमें लोगों को चाहे कुछ भी हो जाए जिंदा रखना है। डॉक्टर क्या करता है, चाहे कुछ भी हो जाए मरीज को जिंदा रखता है, तो हमें मरीज तो खैर हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो जिंदा जीते जागते लोग अवेलेबल है, तो हमें उनको जिंदा रखना है। मरने वाली पॉलिसी मैं आपको कल सुबह का एक किस्सा बताता हूँ, कल सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मुकेश जोशी जी का कमिटमेंट का आईओई का कमिटमेंट का सेशन था, तो वहां पर बहुत ही मजेदार बात हुई, वहां पर एक एजेंट है फजली भाई, तो फजली भाई नाम है उस एरिया के अंदर मेरे ख्याल से शायद होता होगा इस टाइप के नाम, शायद गुजरात वगैरह के शायद एजेंट है या पत्नी जहाँ के भी एजेंट है, मेरे को नहीं ध्यान कहाँ के एजेंट है। उन्होंने बहुत शानदार पॉलिसी शानदार बात बताई, स्पेशली ये बात मैं नरेंद्र जी के लिए बता रहा हूँ, और उन्होंने क्या बताया, कहते जी वो टर्म इंश्योरेंस मांग किसी ने दिया 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था, वो कहते 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कर दो, मैं दे दिया। टर्म इंश्योरेंस करने के बाद उसका जो एफपीआर है उसको लेके मैं फाइल वाइल के अंदर डाल के उनके पास लेके गया, मैंने कहा सर बधाई हो आपकी मरने वाली पॉलिसी हो गई है,
वो कहता है क्या मतलब, कहता है ये मरने वाली पॉलिसी है ना, आपने मरने वाली पॉलिसी कराई ना, जिंदा रहने वाली तो कराई नहीं, आपने बोला था भाई 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कर दो, टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है मरने वाली पॉलिसी, मतलब मरना जरूरी है ना भाई, आपको यदि इसका फायदा उठाना है तो मरना पड़ेगा। अच्छा फायदा इसका आप तो उठा नहीं सकते, आपको तो सिर्फ फीलिंग आएगी, मैंने परिवार के लिए 2 करोड़ का गारंटी किया, मैंने परिवार को 2 करोड़ उनके नाम का वसीयत मैंने लिख के छोड़ दिया, तो सर मरने वाली करा ली ना आपने, बधाई हो आपको। अब वो बंदा, वो कस्टमर बेचारा, उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या बात बोलूं, कहते भाई साहब आप मतलब क्या बोल, क्या बोलना क्या चाह रहे हो, कहते भाई साहब थोड़ी सी जिंदा रखने वाली पॉलिसी भी करा लो। कहते अच्छा वो कौन सी होती है, उन्होंने बताया कस्टमर ने 1 चेक और दे दिया, मरने वाली पॉलिसी 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस था वो ही था, 1 पॉलिसी उन्होंने और बताई, जीवन लक्ष्य बताई उन्होंने, कस्टमर ने उसका भी चेक दे दिया। लेकिन ये बात वो तब तक नहीं बता सकते थे जब तक उनको इसका नॉलेज नहीं होता, क्योंकि उनको इसका नॉलेज था, क्योंकि उनको, आप सोचो इस तरीके की बात, इस तरीके का डिस्कशन क्या आप अपने टर्म इंश्योरेंस वाले क्लाइंट के साथ कर सकते हो, या तो आपने आज तक कभी अपने टर्म इंश्योरेंस वाले क्लाइंट के साथ इस टाइप का डिस्कशन, इस तरीके का डिस्कशन कभी आपने किया है, मरने वाली पॉलिसी, जिंदा रहने वाली पॉलिसी। सर वर्डिंग सर सेम नहीं होती, बट सर मरना तो सर, मरना साहब तो एक दो बार बोला ही जाता है सर, उसमें वो बताया जाता है सर, नहीं बोला जाता है, मरना और मरने के नाम पर सेल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मरना तो है, मुझे भी आपको भी सभी को दुनिया में जो आया है उसको मरना जरूर है, लेकिन मरने के नाम पर एक पॉलिसी सेल हुआ, ये एक टेक्निक है, ये एक आइडिया है। इस तरह की बातें तब पता लगती हैं जब हम रेगुलर ट्रेनिंग में जाते हैं, इसी वजह से मैं आपको बार बार सजेस्ट करता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ भाई ये अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सेशंस अवेलेबल हैं, आप उसके अंदर जाइए, आप उनको ज्वाइन करिए, मैं आपको इसीलिए बताता रहता हूँ, इसीलिए बताता, और कोई वजह नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सेशन होते हैं, अवेलेबल होते हैं। अब ये टर्म और इसका चलो ठीक है, हमने कंपेरिजन कर लिया, वो सब आप ध्यान रखेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का IOE का इंटरनेशनल का कन्वेंशन हो रहा है, जूम पर हो रहा है, 5 फरवरी 6 फरवरी 7 फरवरी 3 दिन का है, 4,000 रुपए का है, आपको ज्वाइन करना चाहिए। आज 4 तारीख है, कल से स्टार्ट होएगा, सारे TOT एजेंट आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, आपको करना चाहिए। आपका ये जितना भी ट्रेनिंग सेशन होता है, अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग सेशन होता है, करना ही चाहिए। और आज का ये विजेता ट्रॉफी का थोड़ा सा कोशिश करें, इसको क्वालिफाई करें, मीटिंग जरूर करें नए लोगों को, इवन आप मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, आप वहां पर किसी न किसी को, अच्छा चलो आप इंश्योरेंस की बात मत करके आओ ना, नमस्ते तो बोल सकते हो, हेलो तो बोल सकते हो, क्या हाल है भैया तो बोल सकते हो, आप स्माइल तो कर सकते हो, कुछ तो कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। आप बातों में से बातें निकलती हैं, आपने बात शुरू किया, अच्छा चलो और कुछ नहीं, मैंने तो मतलब कंप्लेंट में से भी पॉलिसी बेचा है, कंप्लेंट में से पॉलिसी, किसी का कोई चीज मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने उसको शिकायत कर दिया, देखो जी आपका फलाना चीज मुझे पसंद नहीं है, बात आगे बढ़ी, आगे हमने उसको इंश्योरेंस समझाया, उसने ले लिया। तो अलग अलग तरीके से हमारा काम, संपर्क करते रहना हमारा काम है, अलग अलग तरीके से पॉलिसी समझाते रहना, कॉन्टेक्ट करते रहना, यदि हमने वो काम नहीं किया ना, हमारा पॉलिसी नहीं बिक पाएगा। सो आज के प्रोग्राम में आपको क्या क्या अच्छा लगा, आप साथी यहाँ पर आए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, आपसे मुलाकात हुआ, सुबह सुबह आपने समय निकाला, सारे के सारे इकट्ठे हुए यहाँ पर, आप कुछ ना कुछ बताएं, आपको क्या आज पसंद आया यहाँ पर आप आए, कोई भी मैंने कहा मरने वाली पॉलिसी पसंद आ गई, अरे डायलॉग पसंद आया, जिंदा रहने वाली, नहीं जिंदा रहने वाली पसंद करो, मरने वाली क्यों पसंद करते हो, वो एक पार्टी कह रही हूँ कि मरने वाली पॉलिसी करो मेरी, मैंने कहा मैं वही डायलॉग मार रही, नहीं मैंने उसे समझा दिया था, मान ही नहीं रहा, कह रहा है टर्म इंश्योरेंस तो लेना है। हाँ कोई बात नहीं, करना तो है हमें, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम उसको कन्वर्ट कर सकें, दूसरे प्लान में कन्वर्ट कर सकें, और हाँ? ज्यादा बढ़िया प्लान में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है बढ़िया, और बताएं, और आप क्या अच्छा लगा आज, आप यहाँ पर आए, आपको क्या क्या पसंद आया, काफी चीजें पसंद आई सर, और कोई साथी बताना चाहेंगे आप, अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच। तो आपको
और कोई साथी भी बोलना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आज आपको क्या क्या अच्छा लगा? आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, आपको कुछ भी बोलने के लिए माइक अपना जरूर ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। और मॉर्निंग वॉक आप करते रहिए, बढ़िया है। बाकी साथी भी मॉर्निंग वॉक जरूर करें जिन्होंने नहीं किया है, मैं तो कर चुका हूँ। तो मॉर्निंग वॉक जो है नहीं, मंजू से इंस्पिरेशन ले लो सभी लोग, कम से कम थोड़ा सा कुछ तो इंस्पिरेशन लो, कुछ अपनी सेहत पे ध्यान दो भाई। मॉर्निंग वॉक पे जा रही हॉस्पिटल जा रही हूं मैं तो उनको बोल बोल समझा रहा था कि तुम मॉर्निंग वॉक जा रहे हो, आप उनका भ्रम बने रहने देते ना नहीं सर बिल्कुल नहीं, झूठा गलत है। अच्छा चलो ठीक है, मॉर्निंग वॉक जाया करो, सेहत का ध्यान रखो, सेहत अपनी बढ़िया बना के रखो। जितनी ज्यादा अच्छी सेहत होगी उतना ज्यादा आप जिंदगी के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकोगे और सभी कुछ बढ़िया। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी यहाँ पर आए थे बहुत अच्छा लगा। कल सुबह के प्रोग्राम में भी आप जरूर आइए, हर रोज सुबह आपके खिलते मुस्कुराते चेहरे देख के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। सर ट्रॉफियां नहीं मिल रही क्या? ट्रॉफियां रखी हुई हैं, ट्रॉफियां लेते क्यों नहीं हो? वो ट्रॉफियां आज ले लो, एक हफ्ते से मैंने ट्रॉफियां मंगा के रखी हुई है, मेरे पास रखी हुई है ट्रॉफियां, ले